नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम सीवी में आपका स्वागत है। इस समय हम संजौली क्षेत्र में हैं और संजौली मस्जिद विवाद जो पूरे प्रदेश भर में गूंजा, बात की जाए सदन से लेकर सड़कों तक की तो पूरे प्रदेश भर में ये विवाद गूंजा और उसके बाद मामला नगर निगम कोर्ट में भी गया और नगर निगम कोर्ट का फैसला यहाँ पर 5 अक्टूबर को आया और 5 अक्टूबर को नगर निगम कोर्ट ने जो यहाँ पर फैसला दिया उसमें कहा कि जो ऊपर की 3 अवैध मंजिलें हैं, अवैध निर्माण है, उसे यहाँ पर हटाया जाए। इसके बाद ये फैसला आया। इसके बाद यहाँ पर जो मस्जिद कमेटी है उसने वक्फ बोर्ड को एक पत्र लिखा 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को यहाँ पर पत्र लिखकर उसने यहाँ पर इस अवैध निर्माण को हटाने की परमिशन वक्फ बोर्ड से मांगी और जो नगर निगम कोर्ट का फैसला आया था उसमें यहाँ पर कहा गया था कि 2 माह के अंदर इस अवैध निर्माण को हटाया जाए और उस अवैध निर्माण को हटाने को लेकर ये भी कहा गया कि ये अपने खर्चे से हटाया जाए। तो वहाँ पर 15 अक्टूबर को यहाँ पर मस्जिद कमेटी ने पत्र लिखकर यहाँ पर नगर निगम कोर्ट से परमिशन मांगी थी। आपको मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड से उन्होंने यहाँ पर परमिशन मांगी कि इस अवैध निर्माण को हटाने की परमिशन दी जाए और आज परमिशन यहाँ पर मस्जिद कमेटी को मिल गई है और मस्जिद कमेटी ने अब इस मस्जिद को जो अवैध निर्माण है इसका जो ऊपर की 3 मंजिलें हैं उसे हटाने की यहाँ पर परमिशन दे दी है। कुछ देर पहले मस्जिद कमेटी के जो अध्यक्ष हैं लतीफ़ मोहम्मद उनके साथ हमारी बातचीत हुई और लतीफ़ मोहम्मद ने कहा कि यहाँ पर उन्हें परमिशन मिल गई है और परमिशन मिलने के बाद आज कुछ ही देर में ये कार्य यहाँ पर जो अवैध निर्माण का कार्य है ये कुछ इसे हटाने का काम कुछ ही देर में यहाँ पर आरंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बस अब लेबर का इंतज़ार है और लेबर के आने के बाद ही इस अवैध निर्माण को हटाने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर पुलिस फोर्स भी है, पुलिस फोर्स का और पूरे यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम है, पुलिस फोर्स को भी यहाँ पर रखा गया है और इस अवैध निर्माण को हटाने का कार्य कुछ ही देर में यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा और ये जो है ये सब मस्जिद कमेटी को अपने खर्चे से हटाना पड़ेगा। लतीफ़ मोहम्मद ने कहा कि यहाँ पे फंड्स की थोड़ी कमी आ रही है तो फंड्स की कमी के चलते इसे हटाने में क्योंकि बात की जाए काफ़ी खर्च यहाँ पर आएगा और लाखों रुपये का इसे खर्च यहाँ पर आएगा, इसके चलते फंड्स की कमी जो है वो कहीं ना कहीं आड़े आएगी लेकिन यहाँ पर उसे आज से हटाने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा और 2 माह की यहाँ पर परमिशन नगर निगम कोर्ट ने दी है। तो यहाँ पर लतीफ़ मोहम्मद का कहना है कि आज से कार्य ज़रूर आरंभ हो जाएगा और हो सकता है कि इसे हटाने में 2 से 3 माह का समय लग जाए क्योंकि फंड्स की कमी कहीं आड़े आ रही है और फंड्स जनरेट करने की वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जितने भी यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे यहाँ पर फंड्स इकट्ठे किए जाएंगे इस अवैध निर्माण को हटाने को लेकर। तो आज कुछ ही पलों में यहाँ पर अवैध ये जो ऊपर की 3 मंजिलें इसे हटाने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा और लतीफ़ मोहम्मद ने खुद कहा कि यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड को उन्होंने पत्र लिखा था उसको लेकर यहाँ पर परमिशन आ गई है। तो आज जो है ये आप ऊपर देख रहे हैं ऊपर की जो छत है उसे हटाने का यहाँ से कार्य प्रारंभ हो जाएगा। कुछ ही पलों में यहाँ पर लेबर पहुँच जाएगी और लेबर पहुँचने के बाद ये यहाँ पर जो अवैध निर्माण है जो ऊपर की मंजिलें हैं 3 मंजिलें हैं उसे हटाने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हो सकता है इसे 2 से 3 माह का समय लग जाए क्योंकि जिस तरह से फंड्स की कमी यहाँ पर लतीफ़ मोहम्मद ने बताया कि फ़ंड्स की कमी यहाँ पर आड़े आ सकती है। हो सकता है कि नगर निगम से इसमें परमिशन भी यहाँ पर मांगी जाए कि अधिक समय के लिए परमिशन भी मांगी जाए क्योंकि जिस हिसाब से उनके पास फंड्स उतने नहीं हैं, लाखों रुपये का खर्चा इसमें आएगा तो लाखों रुपए के खर्चे आने के कारण वो फंड जनरेट कहाँ से किया जाए, वो फंड जो जनरेट करना है उन्हें स्वयं इसका खर्चा वहन करना है मस्जिद कमेटी को। तो इसलिए जो फंड्स इकट्ठे करने हैं वो लोगों से ही, मुस्लिम समुदाय के लोगों से ही यहाँ पर इकट्ठे करने हैं। तो आज कुछ ही देर में यहाँ पर लेबर जब आ जाएगी इसे हटाने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा।
तो दर्शकों, इस समय हम संजौली मस्जिद के बाहर खड़े हैं और जिस तरह से हमने आपको बताया कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष लतीफ़ मोहम्मद से भी हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि मस्जिद कमेटी की वक्फ बोर्ड की ओर से उन्हें परमिशन यहाँ पर मिल गई है। 15 अक्टूबर को उन्होंने वक्फ बोर्ड को यहाँ पर पत्र लिखा था और परमिशन मांगी थी इस जो ऊपर की 3 मंजिलें उसे हटाने की, अवैध निर्माण को हटाने की परमिशन मांगी थी और मस्जिद कमेटी ने वो परमिशन यहाँ पर दे दी है और यहाँ पर अब ऊपर के 3 फ्लोर को हटाने का कार्य कुछ ही देर में यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। अभी सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए, जो यहाँ पर जो छत है उसे हटाने का कार्य यहाँ पर अभी कुछ ही पलों में शुरू होगा। जैसे ही वो कार्य शुरू होगा हम आप पल पल की रिपोर्ट आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन अभी आपको यहीं पर छोड़े चलते हैं, कुछ ही देर में आपके साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मैं शिमला से विक्रांत, धन्यवाद।